क्या फैसला है तेरा? तू जाएगा या नहीं? नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा भाई। तो ठीक है, झूठ नहीं बोला सरस, मैं सच में भगवान के पास जा रही हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मत जाओ। सरस्वती, हम हार गए, कुमान की जीत हो गई। सरस में तुम्हारी कोई गुण नहीं है, मुझे माफ कर दो। ओ माँ, एक तो पहले दिमाग में इतनी थनथन चल रही है और ऊपर से ये गिर गया। आज तो सारा पिटारा खोल ही जाता, पर मेरे तो कुमुद के बारे में पता लगाने वाली थी ना तू? क्या हुआ? कुछ होता नहीं है तुझसे। अरे छोटी सी, मैं क्या करती? सिर्फ आपके बीवी ही नहीं, उनके घर वाले भी गोलमाल है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया? क्या किया आपने देखा नहीं? नवीन जी को देख के सबके चेहरे कैसे लाल हो गए, जैसे जानते ही नहीं हो नवीन जी को। तो नहीं जानते होंगे ना। लोग गिर गए भाव सोने। अरे याद नहीं कुसुम जी ने क्या कहा था? कुसुम जी और नवीन जी का प्यार शादी तक पहुंच गया था, और घर वालों ने देखा भी नहीं होगा नवीन जी को। पता नहीं पग फेरे के दिन नवीन जी जानकर बहुरानी के घर नहीं पहुंची या फिर सच में देरी हो गई थी। वैसे वो कान के झुमके भी बहुरानी के थे, और वो लिखी हुई कविता भी। भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जरूरत से ज्यादा ना अपना दिमाग ना चलाया कर। तेरी बातों में आकर ना मैं पहले भी उस नवीन और कुमुद पे शक कर चुका हूँ, और वो दोनों फिर सबके सामने महान बन गए और मैं फिर गधा। अपने दिमाग के कीड़े ना अपने पास रखा कर, समझी? बात करती आप भी तब तक पता नहीं लगा पाए कहाँ है आपकी बीवी का मंगेतर सरस्वती चंद्र। अरे मर गया वो, उसी तालाब में डूबकर जहां उसकी मां मरी थी। सब ठीक हो जाएगा भाई, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। भाई, भाई, भाई। भाई। भाई उठो ना, भाई प्लीज। भाई नवीन तो लगता है दुगबा को पूरा गांव घुमा के आएगा। ऐसा कीजिए, बहुत देर हो रही है, आप लोग खाना खा लीजिए। ठीक है, आइए बैठिए। बैठिए सबेरे, प्रमाद को भी बुला लीजिए। जी।
शैतान का नाम लिया अपने बापू, और देखो शैतान हाजिर हो गया। दामाद जी आइए ना, बैठ के साथ में खाना खाते हैं। अरे ससुर जी, मेरा बहुत मन था ना कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के ना खाना खाऊं, लेकिन पापड़ यही तो ढूंढ रहा था मैं। आप लेंगे? नहीं सासू माँ, आप लेंगी? नहीं मैं लेता हूं। मन तो बहुत था मेरा कि मैं आप लोगों के साथ बैठकर ना खाना खाऊं, लेकिन आज ना मैंने बहुत पी रखी है, इसीलिए खाना खाने का दिल ही नहीं कर रहा। मैंने सोचा था कि मैं आज नहीं पीऊंगा, पर क्या है ना, पिए बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता, मुझे ना अंदर कुछ हो जाता। क्या हुआ? आप लोग क्या सोच रहे? अरे मैं तो दवाई की बात कर रहा था। मैं चलता हूं, आप दावत बनाइए, मैं चल। माफी चाहता हूं, माफ कर दीजिए, मैं चलता हूं। अरे आप कुसुम नहीं, कुमुद, मेरे कमरे में जरा पापड़ और चना भेज देना। भूलना मत। मारी साधी रमवा आवशो के नहीं, आवशो के नहीं, बेसवाने पाटलो सुवाने खाटलो ओडवाने पीछा आपिश्तने आपिश्तने। दोबारा ऐसा कभी मत करिए भाई। मत कहना मुझे माँ, तेरे में ना सरस्वती के संस्कार बचे हैं ना मेरे। स्वार्थी हो गया है तू, स्वार्थी। मैंने बहुत कोशिश की थी तुझे तेरी माँ जैसा बनाने की, वो तो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जीती थी, और तू खुद के लिए कुमुद कच्ची बन नाक बनाने पे तुला। ज्यादा अच्छे तो तेरे बापू है। मुझे धोखा देने के बाद दोबारा कभी मेरे सामने नहीं आए थे, तेरे में तो उतनी भी शर्म नहीं है। शायद मेरी परवरिश में ही कमी रह गई है। ऐसा मत कह, अपनी माँ और आपके प्यार के सहारे तो जी रहा। तो हमारे प्यार के खातिर
चला जा यहाँ से सरस, चला जा। मुझे जाने के लिए मत कहिए माई, मैं बहुत मजबूर हूँ, पर जिस दिन हुकूमत को उसकी खुशियां वापस दिला दे उसी दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर उससे पहले नहीं। आखिरी मौका दे दो, आखिरी बार भरोसा कर लो अपने बच्चे पर, कौन नहीं छोड़ के जा सकता। सरस फोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या हुआ होगा। छोटे से के लिए पापड़ ले जा रही हैं, उसमें थोड़ा नमक भी डाल देना, छोटे सेठ को बहुत पसंद है। तुमसे कुछ पूछूं तभी जवाब देना। ये खाना किसके लिए ले जा रही हूँ? ये खाना मैं नवीन जी के लिए ले जा रही हूँ। नवीन जी बाहर से आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी ना, तो मैंने सोचा कि मैं उनको जाके खाना दे आऊँ। रुको, तुम ये पापड़ जाकर उन्हें दे दो। तो गिर के भाव सोने के, इनके पति के लिए पापड़ ले जाऊं तो चलेगा, पर नवीन जी के लिए खाना ले जाऊं तो नहीं चलेगा। चलती जा कलिका, चलती जा, बिल्कुल सही रास्ते पे है तू। पता नहीं क्या हो रहा होगा।